हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल कल्याणी ब्यूटीफुल लाइफ। तो आज हम बात करेंगे जो मेरा वर्बल रेसिपी है, जो छोटी रेसिपी है वो मैं वर्बल में बताती हूँ, और जो बड़ी रेसिपीज है उसको मैं इलेबरेट करके आपको बना के दिखाती हूँ। तो मैंने अभी चिकन ग्रेवी दोपहर में बनाया है, दोपहर में उसको मैंने वीडियो शूट किया है, तो वो मैं डालूँगी थोड़े टाइम में। मैं जब भी चिकन बनाती हूँ ना, तो मैं कुछ ना कुछ थोड़ा डिफरेंट बनाती हूँ, तो हर बार थोड़ा अलग बनाती हूँ, तो वो मैं देते रहूँगी। चिकन ग्रेवी तो मैं हर बार डालते ही रहूँगी जब भी बनाऊँगी। तो अभी आज मैं बता रही हूँ आपको मक्के की रोटी के बारे में। तो मक्के की रोटी के बारे में मतलब मैं आप लोग जो सुन करके भी अगर बहुत लोगों को अच्छा लगता है, मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों को ऐसे देखने में ना समझ में नहीं आता, फटाफट फटाफट वीडियो चले जाते, तो कुछ ऐसे जो चीज़ है जो बोल के भी इजीली समझ में आ जाए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं पहले से, वो लोग मेरे सारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, और मेरे नए वीडियोस को भी देखें, और आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे बटन को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, तो उसमें आपको मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं वो आपको आते रहेंगे। ये बिल्कुल फ्री है, और आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो मुझे और अच्छा लगता है कि मैं और क्या नए टॉपिक्स लाऊं जो लोगों को पसंद आए, जो आप लोगों को अच्छा लगे। तो इसलिए आज मैं अभी शुरू कर रही हूँ मक्के की रोटी के वर्बल रेसिपी बताने के लिए, जो सुन के ही आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये इतना इजी है। तो साग तैयार होने के पश्चात जब खाने की बात आती है तो उस समय मकई की रोटी ज़रूर याद आती है। मकई की रोटी साग के साथ में हमेशा लगता है अरे मकई की रोटी होती, लेकिन मकई की रोटी बनाना कोई इजी बात नहीं है। ये रोटी बनाना वैसे तो जिसको इंटरेस्ट नहीं है, जिसको आता नहीं, उसको तो एक चाय बनाना भी बोलो तो वो भी भारी पड़ेगा, तो चाय भी बराबर से नहीं बना पाएगा इंसान। तो ये बात वैसी नहीं है, टेढ़ी खीरे बोलते हैं वैसे, लेकिन ये मकई की रोटी बनाना ईजी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको वर्बली समझ सकते हैं। तो मकई का आटा गूंदना, किस तरह से हम उसका आटा गूंदेंगे। मकई का आटा गूंदने के लिए हल्के गर्म पानी को की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग चावल का आटा, जवारी, बाजरे का ये सब बनाते हैं ना रोटी, तो उससे पहले कैसे हम लोग गर्म थोड़ा सा पानी कर लेते हैं, उसमें नमक और जीरा डालते हैं, और फिर आटा डाल देते हैं, और उसको मिला करके गर्म गर्म उनका गून लेते हैं। तो उसी तरह से मकई के आटा गूंदने के लिए हल्के गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है। आधा किलो आटा लेकर उसमें आधा लीटर पानी गर्म करें। आधा किलो आटे के लिए आधा लीटर पानी आपको गरम करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर खुरपी जैसे एक लोहे का लंबा औजार पंजाब में ही अधिक प्रयोग होता है, जो एक खुरचन होता है, जैसे हम लोग पलटा बोलते हैं जिसको ऐसे ऐसे करते हैं, हम लोग बनाते हैं चावल भी चेक करते हैं अच्छे से भुनने के लिए, वैसा खुरचन वो आपको एक लेना है। उससे ही औरतें मकई के आटे को गर्म पानी में मिलाकर तैयार करती हैं। उससे क्या होता है ना, अच्छे से मिक्स करने के लिए एकदम इजी हो जाता है, वो अच्छी तरह से ऐसे ऐसे होता है और मिक्स हो जाता है उससे अच्छी तरीके से। फिर अब चपाती कैसे बनाएं। जब यह आटा तैयार हो जाता है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा आटा लेकर आटे में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर दोनों हाथों से पानी लगाते हुए अपने हाथों से अच्छी तरह आटा मल कर रोटी बढ़ाते जाना है हमको। दोनों हाथों में आटा पानी लेके गूंदना है, गूंदते समय दोनों हाथों में हमको गर्म हल्का पानी लगाना है और बढ़ाते जाना है थोड़ा 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 ऐसे करना है। बस इसके बाद इसको पका ले, आपकी मक्के की रोटी तैयार है। मतलब इसको जिस तरह से हम गर्म पानी में से जैसे बनाते हैं ना, जैसे जवारी चावल की रोटी, उसी तरीके से इसको लेकर के हाथ से ही इसको बढ़ाना है, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ता है। मैं तो मकई का पहले भी बता रही हूँ कि मकई छीलना कैसे, वो वीडियो भी है मेरे चैनल में। फिर मकई का भजिया कैसे बनाई हूँ मैंने, वो भी है, बहुत अच्छा लगता है मुझे इसका भजिया। यदि किसी बहन को मकई की रोटी बनाना सीखना हो तो उन्हें पंजाब की ही किसी नारी से ये आइडियाज लेनी होगी, या कला केवल उनके पास ही है, और आजकल अच्छे अच्छे लोग, सब जात के लोग भी बना रहे, तो आप सीखने के लिए कहीं से भी सीख सकते हैं, और देखने से इतना अच्छे से नहीं होता है जितना हम सुन के समझ सकते हैं, ऐसा भी है कि क्या बोला जा रहा है। पुस्तकों में इसे बताया भी जाएगा तो भी बनाना कठिन कठिन नहीं है।
इसलिए मैं हम सभी बहनों से ये गुजारिश करूंगी कि आप लोग मेरी बात सुन करके समझ करके थोड़ी कोशिश करिए। देखा जाए तो हर चीज़ हार्ड है, देखा जाए तो हर चीज़ ईजी है, लेकिन अगर आप बनाने के लिए सोच रहे हैं तो बस इसको आप इतना ही ध्यान रखिए कि मकई की रोटी बनाते वक्त हम जिस तरह से महाराष्ट्र लेडीज लोग ये बनाती है ज़्यादातर जवारी बाजरा, मैं भी बनाती हूँ जवारी बाजरा और नाचनी, तो वो कैसे हम लोग हल्का गर्म पानी करते हैं, बस उसी तरीके से आप मकई की रोटी भी बना सकते हैं। यही मुझे आप लोगों से बताना था आज, एकदम ईजी रेसिपी था, कोई ज़्यादा कांदा चार कांदा काटो, ये टमाटर काटो, ये मसाला डालो, बिरयानी पुलाव, वैसे मगजमारी नहीं था। तो ऐसे जो छोटे बिना मगजमारी वाले जो रेसिपीज़ है, लेकिन वो भी टेढ़ी खीर है, मतलब देखा जाए तो, वो मैं आप लोगों के साथ ऐसे वर्बल में समझा के इसको ईजी करना चाहती हूँ, ये मेरा इसके पीछे पंडा है। तो आप लोग बताइए, आपको कुछ समझ में आया तो कमेंट कीजिए, ईजी लगा समझ में आया तरीका तो मुझे बताइए, और फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय गाइज़।